हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या है कि हम डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो डेरिवेशन भी आई है। तो देखो, एक चीज़ को समझो, जब भी हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ टॉर्क पैदा होती है। अब समझते हैं टॉर्क क्या होता है, ये सब समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसे बनता है, बताओ। ये बनता है इस तरीके से, पैरेलल लाइंस बनती हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ प्लस होगा तभी ये इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ये आपको पता है सभी को। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने डाइपोल को प्लेस करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा पे हम उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे समझ लो इस बात को इस तरीके से कि यहाँ पर हमने रखा, जैसे मान लो माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्या रखा हमने, माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमने रखा प्लस का क्यू, और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो ये क्या है, एक डाइपोल है। क्या है, ये एक डाइपोल है इस तरीके से, बताओ, जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है। कितनी लेंथ है इसकी, ये 2L है, ये हमें पता ही है। ठीक है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2L होती है। क्लियर, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और सर्टेन डिस्टेंस हो गया उसका 2L, तो ये एक डाइपोल है जिसको हमने कितने एंगल पे रखा यहाँ पर, ये डाइपोल की डायरेक्शन है देखो, माइनस से प्लस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसे हमने रखा यहाँ पर एंगल थीटा पे, कोई एंगल थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो बना रहा है हमारा डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, तो वो थीटा एंगल है। अब देखो जरा होगा क्या, यहाँ आप खुद सोचो, ये जो प्लस चार्ज है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसको कह भी सकता हूँ प्लस जो चार्ज है वो हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। लेकिन दूसरी तरीके से भी समझो, ये प्लस है, ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये माइनस है, ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसको मैं बोल देता हूँ F1 फोर्स, बताओ। दूसरा, अगर ये माइनस क्यू है तो ये ऑब्वियस बात है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, वो कौन सी होगी हमारी, F2 होगी। कोई दिक्कत इसमें, बताओ, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमने लिखा हुआ है, देखो कि लेट ए बी इज अ डाइपोल हैविंग द डाइपोल लेंथ 2L, ए बी एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है, और ई क्या है हमारा, ई इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको बताया ये क्या है हमारा, E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लेट द डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सब मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, हम बात करते हैं यहां पर अब फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जरा, जो F1 है वो क्या होगी, यहां से देखो, आपको पता है अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो E होता था वो हमारे पास क्या होता था, F अपॉन में क्यू नॉट होता था। क्यू नॉट इज व्हाट, यूनिट टेस्ट चार्ज होता था हमारा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं F निकालता था तो वो क्या आता था हमारे पास, क्यू नॉट इधर जाएगा, क्यू नॉट E बनता था। ठीक है, ये F के लिए फॉर्मूला बनता था हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर भी F1 है अगर, तो चार्ज ये वाला लेंगे हम, इस क्यू नॉट की जगह कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज। देखो यहाँ पर भी क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता था, मैं कहता था ये Q चार्ज है, जैसे मान लो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में जा रहा है ये, इस तरीके से ये चीज़ कहते थे हम कहते थे कि अगर यहाँ पर हम Q नॉट चार्ज रखें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो कैसे बनती है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन बन जाती, तो हम कहते प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखते तो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाता, अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है अंदर की तरफ। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या था कि जो टेस्ट चार्ज था वो एक्सपीरियंस करता था फोर्स। क्लियर है, बताओ, तो वहाँ से हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बनता था वो ये वाला क्यू नॉट इंटू में ई बनता था। तो यहाँ भी तो यही है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये क्यू को आप क्या समझो, जैसे ये टेस्ट चार्ज रखा था ऐसे समझो कि इस पर फोर्स ऐसे लग जाए, तो ये वाला क्यू ही आएगा ना यहाँ पर, बात समझ रहे हो, और मैग्नीट्यूड में लेते हैं हम तो। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू में प्लस का क्यू इंटू में ई, बताओ, और डायरेक्शन इसकी क्या लिखोगे आप, बताओ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या आ गई, F1 आ गई, बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरीके की। अब क्या करो, यहाँ पर दूसरे के लिए निकाल लो, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, वो F2 लगी है हमारे पास,
एफ टू की भी क्या आ जाएगी, क्यू ई ही आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगी अलोंग, या बताओ क्या आएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है। एफ टू में भी यहाँ माइनस क्यू होता है, ठीक है ना, ये वाला चार्ज है तो माइनस क्यू क्यों नहीं रखा बताओ, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं इस वजह से ये, ठीक है, नहीं तो है ये माइनस क्यू की वजह से। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चल रही है कि जो ये फोर्सेज हैं ये क्या है, इक्वल हैं ये दोनों फोर्सेज, ठीक है। इक्वल और अपोजिट अगर हम बात करें, या फिर हम बात कहें इक्वल अनलाइक मतलब अपोजिट पैरेलल फोर्सेस जहां भी आ जाते हैं वहां पर क्या होता है, टॉर्क पैदा होती है। क्यों? क्योंकि यहां जो नेट फोर्स अब आप निकालोगे वो क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। देखो कैसे, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स है, ये कौन सी है, ट्रांसलेटरी फोर्स, ठीक है, सिंपल जो फोर्स होती है हमारी ट्रांसलेटरी फोर्स, कैसे जाएगा या कोई चीज ऐसे जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी, ठीक है। ट्रांसलेटरी फोर्स क्या हो जाएगी यहां पर, एफ हमारी, एफ नेट अगर हम बोल दें इसको, तो हम क्या लिखेंगे, एफ वन प्लस में एफ टू। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी क्या होगी हमारी, माइनस में होगी, बिकॉज ये कैसी है, अपोजिट है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इसको अगर प्लस रख रहा हूं तो इसको फोर्स को माइनस रख रहा हूं, और एफ वन और एफ टू की वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, एफ वन प्लस में प्लस माइनस तो हो गया कितना, माइनस, और एफ टू की जगह भी क्या रख सकता हूं मैं, एफ वन ही रख सकता हूं, बिकॉज एफ वन इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, एफ टू है, ये चीज यहां से आई है हमारे पास, मैंने एफ टू की जगह क्या रख दिया, एफ वन ही रख दिया, और प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना आया, जीरो आया। तो जो एफ नेट है यहां पर वो कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी कि इक्वल फोर्सेज है हमारी और अपोजिट है, तो उसकी वजह से फोर्स तो आई जीरो। लेकिन साथ साथ यहां पर जो इक्वल और जो फोर्सेज है हमारी अपोजिट है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये पैरेलल फोर्सेज है, पैरेलल फोर्सेज है, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये फोर्स यहाँ लग रही है और ये फोर्स यहाँ लग रही है। अगर ये ऐसे होता, ये माइनस क्यू और ये है हमारा प्लस क्यू, तो फोर्स ऐसे लगती इस पर या नहीं बताओ, ये एफ टू ऐसे जाता है, ऐसे एफ वन जाता। तो इस केस में तो हम बात करते हैं कि टॉर्क जीरो हो जाती है, लेकिन इस केस में जब हमने कहा कि F2 ऐसे लग रही है, F1 ऐसे लग रही है, कैसी है ये, इक्वल है, अपोजिट है, या अनलाइक बोल सकते हैं, और पैरेलल फोर्सेस हैं, समझ रहे हो, पैरेलल में भी कैसे हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, और लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट है। तो होगा क्या, ये ट्रांसलेटरी फोर्स तो जीरो हो गई, मतलब ये डाइपोल ना तो आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, ये तो होगी ट्रांसलेटरी फोर्स, तो यहां से हमने देखा जीरो है। लेकिन इस तरीके के केस में होगा क्या, जब नेट फोर्स जीरो है और फोर्स कैसी है हमारी, इक्वल है, अपोजिट है और पैरेलल है, क्लियर है, तो उस केस में टॉर्क पैदा होती है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, कोई चीज घूमनी शुरू होती है। देखो जैसे ये है, मान लो एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, ठीक है, अगर ये ऐसे जाएगी दैट इज अ ट्रांसलेटरी फोर्स, ऐसे जाएगी तो भी ट्रांसलेटरी फोर्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रही है, इधर से ये फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, तो होगा क्या, जब इधर से फोर्स लगेगी इसमें तो ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, बात समझ रहे हो, ऐसे है ना, ये एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, खुद भी सोचो आप, एक फोर्स इधर लग रही है ऐसे, तो ये घूमेगा ना, समझ रहे हो, ट्रांसलेटरी फोर्स तो जीरो हो गई, ऐसे तो नहीं जा रहा ये, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे घूमना शुरू हुआ, यहां से ये क्या होगा, अब घूमना शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। घूमने वाली किसी भी चीज पे क्या होता है हमारा, फोर्स की जगह हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क। जैसे आप साइकिल को एक स्टैंड पे खड़ा करो, ठीक है, जो बड़े वाले स्टैंड होते हैं ना साइकिल के, देखे होंगे आपने, ठीक है, एक तो साइड स्टैंड होता है वो नहीं, जो बड़े वाला स्टैंड होता है जिसपे पहिया ऊपर उठ जाता है, देखा होगा आपने, जो पुरानी साइकिल्स होती थी उनमें होता है ये, ठीक है। तो उसमें आप देखना, जब आप टायर को घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लगा तो फोर्स ही रहे हो, एक फोर्स ऐसे लग रही है उसमें, अगर हम देखें ये टायर है तो मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, एक ऐसे लगा रहा हूँ, या एक ही लगा रहा हूँ ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे है तो वो घूमेगा ही। तो ये क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है, क्या लग रही है, टॉर्क। आपने फोर्स एक ऐसे लगाई, एक ऐसे लगाई, तो ये घूमना शुरू हुआ पहिया, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसको फोर्स नहीं कहेंगे हम, क्या बोलेंगे, टॉर्क, जिसकी वजह से घूम रही है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलते उसकी कितनी फोर्स लग रही है, हम क्या बोलते हैं कि इसका टॉर्क कितना है, कितना टॉर्क लग रहा है इस पर, समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ। जैसे गाड़ियों का जब आप देखते होंगे, जो कार्स वगैरह होते हैं, जब इनका रिव्यू आता है, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं यार इतना टॉर्क है इसमें, इस गाड़ी में इतना टॉर्क है, इसमें इतना टॉर्क है, जिसका जितना ज़्यादा टॉर्क उसमें स्पीड ज़्यादा बनेगी, है ना। तो वहाँ पर टॉर्क की जो बात कर रहे थे उस लेवल पर कर रहे थे कि स्पीड कितनी होगी, जितनी टॉर्क होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड जल्दी फास्ट पकड़ेगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना 5 सेकंड में जी 100 की स्पीड पकड़ ली, तो मतलब उसकी टॉर्क ज़्यादा होगी ना, क्लियर है। तो उसकी जो अगर हम बात करें कि रोटेशन पर मिनट होगी ना, वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा हो जाती है, क्लियर है। इतनी बात ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके कि टॉर्क क्या है। तो सिंपल भाषा में टॉर्क का मतलब क्या है, कोई भी घूमने वाली चीज़ पे, ठीक है, जब आप फोर्स लगाते हो तो वो कैसी फोर्स है, नेट क्या है वहाँ पर, ट्रांसलेटरी फोर्स,
जीरो है, क्या है नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है वहां पर टॉर्क पैदा कर रहा है और वो घूमना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है तो गाड़ियां वगैरह तो जो है जब नॉर्मल होती हैं तो वो तो चलती हैं, आप यही कहोगे, वो तो चलती हैं, वो रोटेट हो रही हैं, लेकिन वहाँ नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो कैसे है, वो तो आगे चलती हैं, लेकिन वो चल कैसे क्यों रही हैं, सोचो जरा क्यों चल रही हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से चल रही हैं। अगर एक स्लिपरी एरिया होगा तो वहाँ वहीं रोटेट करती रहेगी वो गाड़ी, वो फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ती है, वो कंसेप्ट है उसके अंदर, क्लियर है। तो वो जो फोर्स बिल्टअप होती है वहाँ वो फ्रिक्शन की वजह से होती है, तो वो आगे जाता है, ना हो फ्रिक्शन तो वो क्या होगा टॉर्क की वजह से वहीं घूमता रहेगा। तो वो कंसेप्ट है जिसके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि जो हम कह रहे हैं कि नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है तो टॉर्क कैसे पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना है आपको। ठीक है, पहिए वाले केस की बात थी, ठीक है, नॉर्मल आ जाओ अपने यहाँ पर ही कि ये डाइपोल है हमारी। ठीक है, ये डाइपोल पे इधर फोर्स लगी, इधर फोर्स लगी, इक्वल अपोजिट फोर्सेज हैं और पैरेलल हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इक्वल और अपोजिट की वजह से तो नेट फोर्स जीरो हो गई, लेकिन साथ में ये पैरेलल भी थी और इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था। देखो ये यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, अगर लाइन ऑफ एक्शन यहाँ हो, ठीक है, मतलब जो फोर्सेज हैं वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, एक ही लाइन पे है देखो दोनों फोर्सेज, तो यहाँ नेट ट्रांसलेटरी फोर्स तो जीरो है ही है, लेकिन टॉर्क भी जीरो है, यहाँ टॉर्क नहीं पैदा हुई है, घूमेगी नहीं चीज, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ये अभी आगे और डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेज का वो डिफरेंट पॉइंट पे है, ठीक है ना, इसका लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, डिफरेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्सेज लग रही हैं इक्वल और अपोजिट में, तो ये क्या पैदा करेंगी, टॉर्क पैदा करेंगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी कि नेट ये फोर्स जीरो है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है, देखो क्या लिखा है, दिस शोज नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जो होगी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या है, सेम है, तो यहाँ पर E की वैल्यू और E की वैल्यू सेम होगी, तो जो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स है वो क्या होगी डाइपोल के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, जीरो होगी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, नाउ व्हेन टू इक्वल है F1 F2 एंड अनलाइक मतलब क्या है, अपोजिट और पैरेलल फोर्सेज हैं एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में अगर ऐसा होगा कि दो इक्वल हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगी बताओ, टॉर्क फॉर्म करेंगी, तो यही लिख रखा है यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, इसको नोट करना यहाँ तक, और ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी सिर्फ। ठीक, यहाँ पर ये क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत इसमें, और साथ में ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके कि ये जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज जो हम कह रहे हैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये आपको अपने माइंड में रखनी है, क्लियर है, तो ये हो गया टॉर्क। अब टॉर्क कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर करते हैं, देखो इसको यहाँ करें, तो यहाँ से हम लिखते हैं, देखो यहाँ करते हैं, लिखते हैं टॉर्क इज गिवन बाय, देखो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क को हम लिखते हैं टाउ से ऐसे किया और ऐसे ये बना दिया। ठीक है, टी जैसे बनता है ना उसमें, बस ये कैसे कर दिया हमने, ये उल्टा ऐसे बना दिया, ऐसे कर दो चाहे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ये भी सही है, क्लियर, ऐसे भी बना सकते हो, सीधा ऐसे बना लो, नहीं तो ऐसे उल्टा ऐसे बना लो। ठीक, तो उल्टा ऐसे बनाओगे ज़्यादा सही है। देखो क्या होता है, ये हमारे पास आइदर फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो आइदर फोर्स में या तो F1 ले लो F2 ले लो, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये इक्वल है, वैल्यू इनकी QE है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये F1 है, ठीक है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो किसके बीच में होगा, इन फोर्सेस के बीच में होगा, वो देखो कैसे, एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, ठीक है, तो ये रहा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज इस फोर्स का जो वेक्टर आप यहाँ तक बढ़ाओगे तो ये आया और ये ऐसे जा रहा है, तो इनका क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको मैं एन से लिख लेता हूँ, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, BN हो गया, ये BN, क्लियर। अब इस BN की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो देखो ये BN कैसे लग सकता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला यूज हो सकता है, तो देखो कैसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ANB में देखो ये चीज़ गिवन है, ये हमें निकालनी है, यही चीज़, यही तो देखते थे हम, ये इसके सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब P और H का रिलेशन देख लो, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है आपके पास, साइन का होता है, किसका होता है, साइन का होता है, तो ऑब्वियसली बात है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से तो हमें पता है एक चीज़ क्लास 10th से कि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, P/H होता है, और साइन थीटा जो है वो P कितना है हमारे पास यहाँ पर, BN हो गया, और H कितना है हमारे पास, 2L हो गया, तो यहाँ से जो है BN की वैल्यू देख लो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 2L साइन थीटा, ये BN की वैल्यू आ गई, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, F1 की भी वैल्यू पुट करूँगा और BN की भी वैल्यू पुट करूँगा, तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू में क्या आ जाएगी, F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, QE,
और बी एन की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा, तो यहाँ रखते हैं 2L साइन थीटा। अब देखो क्यू ई और ये है 2L, तो ये 2L और Q क्या बनता है हमारे पास, P बनता है, और साथ में ये E और ये साइन थीटा। यहाँ लिखना है तो लिख लेना ये कि P इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, Q इंटू में 2L होता है, ठीक है, पता है आपको ये डाइपोल मोमेंट, क्लियर। अब देखो यहाँ से हमें पता है, अगर हम एक पढ़ते थे क्रॉस प्रोडक्ट और एक पढ़ते थे हम कौन सा था बताओ, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है, याद है, स्केलर और वेक्टर। अगर स्केलर होता था हमारे पास, या हम बात करते थे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता था उसके अंदर क्या आता था हमारे पास, जैसे मान लो ये दो टर्म्स हैं तो वहाँ आता था पी ई कोस थीटा, अगर वो डॉट प्रोडक्ट होता। और अगर हमारे पास क्या है, वेक्टर है, तो क्या होगा, साइन थीटा आता है, पी ई साइन थीटा। दो वेक्टर होंगे तो पी और ई, मान लो दो वेक्टर हैं तो उनमें क्या होता है हमारा, पी ई साइन थीटा होता है, अगर वो एक वेक्टर प्रोडक्ट। और जो आपका डॉट होता था उसमें क्या आता था हमारा, कोस आता था, क्लियर, इतनी बात याद रहेगी ये चीज़, ठीक। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चल गई कि ये क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है, ये तो पता है ना यार आपको, क्रॉस या फिर हम कहें वेक्टर, वहाँ आता था साइन थीटा। दो मान लो ए बी है हमारे पास, तो ऐसे लिखते थे हम, और अगर हमारा डॉट है और स्केलर है प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या बोलते थे, ए बी कोस थीटा में बोलते थे, याद आया कुछ। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b ऐसे, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a डॉट b ऐसे, ये होता था हमारे पास। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसको p क्रॉस e, बताओ समझ में आया या नहीं, दोनों फॉर्मूले आपके यूज़ हो सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में ये कर दिया हमने, क्लियर है, ये टॉर्क की भी डायरेक्शन होगी या नहीं होगी बताओ। देखो यहाँ से ये ऐसे जा रही है फोर्स, ये ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे रोटेट होगा, अगर ये हमारे पास डाइपोल है तो ये ऐसे रोटेट होगी, दैट इज़ क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, कैसी है, क्लॉक वाइज ऐसे जा रही है, क्लॉक ऐसे चलती है ना, टक 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 टक, तो ऐसी डाइपोल चलेगी टू टू टू, तो मतलब क्या है ये आपके पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तो टॉर्क की भी डायरेक्शन में पता चल गई, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में आता है ये पी क्रॉस ई क्यों लिखा, ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं क्या, देखो जरा हमारे पास, हमें पता है अगर ये वाली हम कहानी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैंने ये बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, ये पी और ये ई। अब हमें पता है कि ये डाइपोल जो है वो कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ स्क्रू रखो, ठीक है, स्क्रू को ऐसे घुमाओ आप क्लॉकवाइज, तो ऐसी जाएगी ना पी से ई, तो ये रखा पी क्रॉस ई, अगर आपको याद हो, ऐसे करते हैं हम डायरेक्शन जो हम निकालते हैं, ठीक है। और अगर हम करते हैं ई क्रॉस पी, तो ई क्रॉस पी में फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे ई से पी की तरफ, तो स्क्रू यहाँ रखा बीच में, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो कैसे चलता, ई से पी की तरफ, और क्लॉकवाइज घुमाया तो पी से ई की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पी क्रॉस ई, एंटी क्लॉक वाइज होती तो ई क्रॉस पी रखते हम, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बताओ, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है, ये मैं हटा नहीं रहा हूँ यहाँ से, ये भी नोट कर लेना साइड में कहीं पर, तो आपको ध्यान में रहेगा, बताओ आया समझ में, टॉर्क की कहानी समझ में आई। अब बात करते हैं इसमें स्पेशल केसेस की, देखो स्पेशल केसेस की बात करते हैं, हाँ क्या है, सबसे पहला हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम की कहानी देखते हैं, ठीक है, टॉर्क इज मैक्सिमम कब होगी बताओ, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, कब होगी, जब हम इसको परपेंडिकुलरली प्लेस करें, तो परपेंडिकुलरली क्यों कहा हमने बताओ इसको, देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, पी ई साइन थीटा, और ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है हमारे पास, वन होती है, और वन कब होता है ये, जब थीटा कितना होता है बताओ, 90 होता है, तो 90 डिग्री अगर ये थीटा होगा तो ये जो डाइपोल है ये ऐसे नहीं हो जाएगी बताओ, ऐसे है अभी ये ऐसे हो जाएगी, तो हम यहाँ पर अगर दिखाएं आपको, ये चीज़ समझ में आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी हमारे पास, पी ई हो जाएगी फॉर द मैक्सिमम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म या फिर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, क्लियर, इतनी कहानी ये चीज समझ गए ना, ये ऐसे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ बना के आपको दिखाऊँ ना, ये डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, देखो ये जो है ना प्लेस हो जाएगी ऐसे, ये प्लस क्यों यहाँ आ जाएगा, ये माइनस क्यों, तो ये एंगल कितना बन रहा है इसका,
90 डिग्री बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, क्या समझाई है मैंने? क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम सेकंड, टॉर्क इज मिनिमम। अब देखो टॉर्क मिनिमम के दो केस बनते हैं इसमें, देखो कैसे। टॉर्क की वैल्यू हमें पता चल गई पीई में साइन थीटा होता है। क्या होता है? पीई में साइन थीटा। अगर यहाँ हम कहें कि थीटा कितना है, जीरो डिग्री है, मतलब कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीरो डिग्री मतलब क्या है कि ये वाले जो प्लस क्यू है ना यहाँ आ गया, तो मतलब जीरो हो गया ये, ठीक है, थीटा जीरो हो गया, तो मतलब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी डाइपोल, क्योंकि ये माइनस से प्लस जाती है डायरेक्शन ऑफ जो होती है हमारी डाइपोल मोमेंट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये टर्म भी ऐसे ही आ गई। ये देखो ना, ये हमारे पास पी की डायरेक्शन है यहाँ, क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है, इसको जब हम यहाँ प्लेस कर देंगे यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और थीटा कितना बनेगा यहाँ पर, जीरो बनेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अगर थीटा जीरो है, यहाँ लिख देते हैं हम अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ ये जीरो है, क्लियर। अब अगर थीटा जीरो है यहाँ पर मिनिमम के केस में, क्यों हमने मिनिमम के केस में जीरो ही कहा पहले अगर हम सोचें, क्योंकि साइन थीटा क्या होना चाहिए यहाँ, मिनिमम होना चाहिए। साइन थीटा में जीरो वैल्यू होती है मिनिमम की, और साइन जीरो ही क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी यहाँ से, इसलिए थीटा जीरो किया, तो यहाँ जीरो आएगा ऑब्वियसली बात है साइन जीरो से। तो ये देखो जरा कितना बनेगा आपके पास, ये साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू पी ई जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी उस केस में, जीरो हो जाएगी। बताओ और कैसे लिखेंगे हम इसको, बताओ? टॉर्क के लिए अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब की बात है ये, बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, या फिर हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ तो चलो इसके साथ आ रही है, इसके साथ तो क्या है पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में, ऐसे तो हम बोल सकते हैं ये लाइन अगर यहाँ है कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाइपोल को रखें, तो हमारा जो है टाओ क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा इस चीज़ को समझो, देखो जरा यहाँ पर ही बनाएं इसको, ठीक है, यहाँ पर ही बनाते हैं। देखो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है, इस तरीके से समझो। अब जब हमने कहा कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ क्या है प्लस का क्यू है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इस पर फोर्स इधर लगने वाली है और इस पर फोर्स इधर लगने वाली है, यही होने वाला है इसमें या नहीं, बताओ? क्योंकि यहाँ ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो फोर्स इधर ये वाली लग रही है एफ टू और ये वाली इधर एफ वन लग रही है, क्लियर है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो जरा, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट को समझो कि टॉर्क जीरो क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेज हैं इक्वल और अपोजिट हैं और लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स तो जीरो है ही है, लेकिन यहाँ टॉर्क भी जीरो है इस केस में, क्योंकि टॉर्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, जहाँ पर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज एक्ट करती हैं, या हम क्या कहें इनका कि लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो डिफरेंट होता है, जो मैं आपको बात समझा रहा था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एफ नेट भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, क्लियर है। दूसरी बात यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि ये वाला जो है, जो हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे थे बात कि जीरो क्या है, तो वो सिचुएशन ये है जहाँ पर थीटा जीरो है, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही है, इस वजह से, बताओ, तो थीटा जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, यहाँ पर इस जगह पे अगर मैं यहाँ इस तरीके, या चलो ये कंसेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है, इतना समझ में आया मिनिमम का केस, ये समझ में आया, ठीक है। अब ये इतना नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं अब इसमें टॉर्क मिनिमम के लिए अगली बात बताता हूँ आपको, इतना नोट करो जरा, ये कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना। देखो मैं यहाँ से ये चीज़ हटा रहा हूँ, ठीक, अब देखो जरा यहाँ, तो टॉर्क मिनिमम के लिए ये कहानी हो गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में टॉर्क इज मिनिमम, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं थीटा कितना है यहाँ, जीरो डिग्री पे, थीटा यहाँ कितना हो, 180 हो, 180 पे भी क्या होती है वैल्यू, मिनिमम ही होती है, जीरो ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है टाओ की वैल्यू कितनी होगी, पी ई साइन थीटा, और थीटा कितना है, 180, एंड साइन 180 इज ऑल्सो कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। अब इस सिचुएशन को समझो जरा, देखो सिचुएशन को समझो इस वाली को, ये हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
अब जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे आएगा, यानी कि ये जो है ऐसे घूम जाए, मतलब प्लस इधर आ जाए और माइनस इधर चला जाए, मतलब ये ऐसी सिचुएशन बन जाए, ये प्लस क्यू इधर आ जाए और ये माइनस क्यू इधर आ जाए। देखो कैसे बनेगा 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी बन गई, कैसी बन गई डायरेक्शन बताओ डाइपोल मूवमेंट की, इस साइड पी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर, तो ये ऐसे बन रहा है ना, 180 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट का, क्योंकि अपोजिट हो गया ना। देखो जीरो कब था, जब सेम था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है इधर है और डाइपोल मूवमेंट की भी है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई और डाइपोल मूवमेंट की हो गई, तो एंगल कितना बन रहा है, दो अपोजिट होगी ना चीज़ें यार, एक ऐसे एक ऐसे, कितना हो गया ये 180 डिग्री एंगल, जब दोनों सेम है ऐसे तो 0 डिग्री एंगल, क्लियर। तो ये 180 डिग्री जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर भी देखो आप, अगर ये प्लस है यहाँ, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ फोर्सेस देखो कैसे लगेगी, ये वाला प्लस इसको इधर करेगा ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ ये हमारे पास F1 ऐसे बन रही है माइनस क्यू वाली, और ये वाली F2 ऐसे बन रही है अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क नहीं पैदा करेगी, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं क्या है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे आ गई, मतलब एक इधर से लगा रहा है फोर्स, एक इधर से, तो ये घूमेगा कहाँ, ये घूमेगा कहाँ ऐसे, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और जब हम कह रहे हैं कि इस पर फोर्स लग रही है एक ऐसे और एक ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे खींच रहा है कोई इसको, तब भी नहीं घूमेगा, खींच रहा है जीरो डिग्री वाला, और जब ऐसे दोनों तरफ से फोर्स लग रही है तब भी नहीं घूमेगा ये, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है फोर्सेस का, सेम हो गया, ठीक है, तो टॉर्क पैदा नहीं होगी यहाँ। लेकिन अब यहाँ दो केस हमें बात करनी है, किसकी, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखो इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ फोर्स भी जीरो है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, टॉर्क भी जीरो है यानी कि ना घूम सकता है, तो वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टेबल अनस्टेबल की कहानी समझते हैं, देखो जहाँ पर थीटा जीरो है ये कौन सा है हमारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और अनस्टेबल ये है, ये कैसा है, अनस्टेबल है, क्यों है बात करते हैं अभी। देखो अगर देखो यहां से आप समझो इस बात को कि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने क्यों कहा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं यहां से, ठीक है, मतलब मान लो ये माइनस क्यू यहां आ जाए और प्लस क्यू यहां आ जाए, तो ये क्या होगा, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये अपने इसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये माइनस है ना, फिर प्लस की वजह से ये इधर आएगा, और ये प्लस है और इधर ये माइनस है, ये अगेन फिर अपनी उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, ये इधर ही आने की कोशिश करेगा, मतलब क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इसे आप रोटेट करो फिर घूम के वहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें, आप यहाँ पर लाए हो इसको ऐसे, ठीक, ये प्लस का क्यू और ये कितना है हमारा यहाँ पर, ये माइनस का क्यू है, ये वाला यहाँ ले आए इसको, ऐसे घुमाया हमने, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला प्लस इसको क्या करेगा और रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा, दोबारा आएगा नहीं, क्या करेंगे, जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो ये घूम जाएगा, ठीक है ना, तो ये अपने उसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, मतलब ये प्लस इधर आने की कोशिश करेगा, ये माइनस इधर आने की कोशिश करेगा, मतलब क्या है, जब रोटेट करने पर कोई चीज़ घूम रही है तो वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो क्या, जब हम रोटेट कर रहे हैं फिर दोबारा वो उसी पोजीशन पर आ रहा है, वो है स्टेबल। अनस्टेबल क्या है, जहाँ थोड़ा रोटेट करा वो पूरा ही रोटेट हो गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, डाइपोल को अपने साथ अलाइन करना चाह रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है ना डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन वही करना चाह रहा है, क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क के बारे में पता चला आपको। देखो टॉर्क कैसे पैदा हो रही है यहाँ पर, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, लेकिन कैसे है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक ऐसे है, तो ये जो चीज़ है इस पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे समझो, और एक ऐसे लग रही है, क्लियर। तो ये हो क्या रहा है, क्या करेगा फॉर्म यहाँ पर, टॉर्क फॉर्म करेगा, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से ये घूम जाएगी, क्लियर है, बताओ आया बात समझ में। जैसे यहाँ पर डायग्राम में बन रही है वो ऐसे बन रही थी, ये फोर्स इधर लग रही है एक ऐसे और इसमें एक ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा है, क्लियर है, टॉर्क पैदा होती है। तो याद रखना फोर्सेज की कहानी की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज तो आएंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, ठीक है, डाइपोल के ऊपर, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है उनका वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो टॉर्क पैदा होती है, ये चीज़ हमने बात करी, क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पर सारी हमने लिखी हुई है। फिर हमने यहाँ से जो हमने रब किया वहाँ पर हमने टॉर्क निकाल ली, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी, तो टॉर्क आई क्यू ई, फोर्स की वैल्यू, और टू एल किसकी थी हमारे पास, टू एल साइन थीटा, बी एन की वैल्यू है परपेंडिकुलर वाली, ठीक है,
और 2LQ क्या था हमारा, P आया था डाइपोल मूवमेंट, और उसके बाद P E साइन थीटा को मैं P क्रॉस E रख सकता हूँ किसमें, वेक्टर फॉर्म में, क्लियर है। फिर हमने केस किए हमने इसके क्या, टॉर्क इज मैक्सिमम जब थीटा कितना हो हमारे पास 90 डिग्री हो जाए या फिर 270 डिग्री हो जाए, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 270 की मैंने कहानी आपको बताई थी क्या होता है, ठीक है। तो ये 270 भी ध्यान में रखना कि होता है, ठीक है, कहीं जगह आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कि 270 भी होता है, 90 का करवा देंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में, ठीक। उसके बाद हमने बात करी कि टॉर्क जो है मिनिमम के दो केस हैं, एक तो थीटा जीरो वाला और थीटा 180 वाला। तो यहाँ पर जो थीटा जीरो है इस केस में जो बनता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, जो मैंने आपको बताया, और जहाँ थीटा 180 है जिसमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो थीटा 180 बनता है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बताओ समझ में आई कहानी, ठीक है जी। तो नोट करो इसको सभी को चीज़ों को, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, करो जी से नोट। हाँ जी देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में हमारे पास ये चार न्यूमेरिकल लेते हैं हम, ठीक है, ये फोर्थ वाला चलो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ 1, 2 और 3 ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड है, जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हमने अभी टॉपिक किया हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा 1.10, ठीक है, 1.10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो देखो जी यहाँ हम करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है ये आपको इस क्वेश्चन में, कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट है 4×10⁻¹ सेंटीमीटर, नहीं है ये क्या है, कूलम मीटर है, कूलम मीटर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। तो हमारे पास यानी कि डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है, यानी कि पी की वैल्यू दी हुई है कितनी है वो 4×10⁻¹ क्या है, कूलम मीटर, ठीक है जी, कूलम मीटर ही हमें पता है। और अलाइंड एट 30 डिग्री है विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके साथ डाइपोल मूवमेंट की कितनी एंगल है, 30 डिग्री की एंगल है, ठीक है। तो यानी कि थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिया ये, 5×10⁻⁴ क्या है हमारे पास, 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, तो टॉर्क तो बिल्कुल सिंपल है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से निकलता है हमारा, पी ई साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगर इसको हम डायग्राम में देखें, ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर सब गड़बड़ है। अगर आपको याद नहीं है क्लास 10th में जिन्होंने छोड़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब, ठीक है, आगे तो जरूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, तो नहीं किया याद तो लर्न कर लो उनको, ठीक है, नहीं तो मेरी कोई वीडियो देख लेना जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, डाल देना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे डायनेमिक विद्यापीठ, उसके बाद आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लेना कैसे लर्न करने का तरीका आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये बना कैसे होगा, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो डाइपोल प्लेस्ड है वो इस तरीके से है, ये है माइनस क्यू चार्ज यहाँ मान लो, और ये है प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये किसकी है, माइनस से प्लस पी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री है, ये बोल रहा है वो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट की जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, यानी कि डाइपोल जो है वो 30 डिग्री पे अलाइंड है, क्लियर। तो अब तो यहाँ वैल्यू रखो, देखो पी की वैल्यू कितनी है, 4×10⁻¹, ई की कितनी है, 5×10⁴, और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो 5×4=20×10⁻¹ और प्लस का 4 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 10⁻⁴ में −9 प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो 9 में से 4 माइनस करो कितना आता है, 5, तो 10⁻⁴ ये माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 2, 1 और ये 0, तो 10⁻⁹ × 10⁻⁵ तो कितना होता है ये बताओ, 1 − 5 माइनस का 4, तो 10⁻⁴ आ गया। और टॉर्क का अब यूनिट क्या होता है बताओ, टॉर्क का जो फॉर्मूला था अगर हम देखें वो क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही था बताओ, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का जो होता है आपके पास यूनिट वो क्या होता है, न्यूटन, और जो इसका होता है आपके पास डिस्टेंस का क्या होता है, न्यूटन, और फोर्स का तो न्यूटन हो गया और डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर याद रहेगा, ये डिस्टेंस का कितना हो गया मीटर, और फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन मीटर क्या आ गया, न्यूटन का एन बड़ा डाला क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट होगा उसका वो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, और मीटर नॉर्मल है तो एम छोटा, ठीक है, तो न्यूटन मीटर। तो ये 10⁻⁴ ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया, बताओ समझ में आया या नहीं। करो इसको नोट जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। करो नोट। हाँ जी कर लिया नोट, ठीक है जी। देखो अब नेक्स्ट देखो जरा क्या है आपके पास क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया था ये 1.10 है आपके पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, वो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, है तो ये टॉर्क के ऊपर ही, लेकिन इसमें निकालना आपको चार्ज है। देखो क्या कह रहा है, कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ डाइपोल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 2L की वैल्यू है, ये चीज़ ध्यान में रखना। डाइपोल की पूरी लेंथ के बारे में बता रहा है, और 20 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, मीटर में हम क्योंकि लेते हैं लेंथ, ठीक। और जो इंक्लाइंड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी कि जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था वहाँ 30 डिग्री की जगह बस कितना एंगल है, 60 डिग्री है, यही है, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क ऑफ कितना, 8√3 न्यूटन मीटर, तो मतलब जो टॉर्क है वो कितना है, 8√3 न्यूटन मीटर है, क्लियर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, PE साइन थीटा होता है, यही होता है। और P क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q × 2L, और इंटू में ये E साइन थीटा है ही है साथ में, ठीक है, और ये टॉर्क है। तो बस यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी। देखो टॉर्क की वैल्यू रखो कितनी है, 8√3, और Q हमें निकालना है, और 2L। अब देखो कईयों के मन में आ रहा होगा चार्ज प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो आपको पता है चार्ज तो सेम ही है ना, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, लेकिन यहाँ तो हम चार्ज रखते थे मैग्नीट्यूड सिर्फ, ठीक है। तो Q इंटू में 2L की वैल्यू बताओ कितनी होगी हमारे पास, 20/100। अब यहाँ L मत रख देना, कहीं बच्चे इसको L लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 × L की वैल्यू ये रख देते हैं, नहीं, डाइपोल की लेंथ 2L होती है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है, ये 2L की वैल्यू है कितनी, 20/100। E कितना है हमारे पास यहाँ पर, 2 × 10⁵, और साइन 60, बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ से हम वैल्यू अगर निकाल लें, देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ से, देखो Q यहीं रहने दें, ठीक है, चलो इसको ऐसे करते हैं, ये 0 से 0, और ये 2 5 का, ठीक है। तो 2 मतलब कितना आ गया यहाँ से, ये 1/5 इंटू में 2 × 10⁵ इंटू में साइन 60 है √3/2, तो ये 2 से ये 2 गया, ये है 8√3। देखो √3 से ये कट सकता है यहाँ, ये √3 जब इधर लाऊंगा तो नीचे नहीं हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको कट कर सकता हूँ, अगर आमने सामने है सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई में सारी इधर भी, समझ रहे हो ना बात को, नहीं तो इस √3 को मैं यहाँ नीचे लेके आता और ये इससे कट जाता, डायरेक्ट भी ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। बात इतनी बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जरा क्या बचा हमारे पास यहाँ, 8 × 5 = 40 हो गया, ये 5 × 8 हो गया, 8 × 5 = 40 इंटू में, देखो ये 10⁵ इधर नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁵ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये कितना है हमारे पास यहाँ पर, ये तो 5 इधर चला गया था, बाकी कुछ नहीं रहा, क्यू बचा बस यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू की ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे बताओ, ये 40 है ना, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 4, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ है ना, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं बताओ, सिंपल करना है तो वो तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10, और 10⁵ हो गया, यानी कि 1 − 5 कितना होता है, −4 होता है, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समझो वैसे कैसे कर सकते हैं हम। देखो पॉइंट इधर है, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे 1, तो 4.0 × 10⁵ एक शिफ्ट किया ना लेफ्ट साइड, तो पावर 1 आ गई 10 की, ठीक है, और इंटू में 10⁵ −5, बहुत बार बताइए मैंने, एक बार लेफ्ट साइड जाते हैं तो पावर प्लस में चलती है, और पॉइंट हम राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस में चलती है पावर 10 की, ठीक है। तो और जितना पॉइंट लेके गए, यहाँ से हम एक पॉइंट शिफ्ट किया ना, ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ, लेकिन कैसा आएगा, ये प्लस का आएगा, बिकॉज हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, जहाँ पॉइंट नहीं होता ना वहाँ लास्ट में ऑटोमेटिकली पॉइंट होता है, तो वो हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ ही रही होगी, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया, अब ये 4.0 × 10⁻⁴ कूलम का चार्ज आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आया, बताओ कोई दिक्कत। करो इसको भी नोट, फिर नेक्स्ट करते हैं हम, जरा पॉज करके कर लेना नोट, ठीक है जी। चलो जी इसको हटाते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा कि क्या है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक। देखो जी नेक्स्ट देखो, ये कुछ क्वेश्चन खुद से लिए हैं आपको, ठीक है, रेफरेंस बुक्स में से, ठीक है, ताकि क्या हो आपको जो है फंडा क्लियर रहे, ठीक है, कि चार्ज भी हम निकालना सीख गए यहाँ से, कि टॉर्क गिवन है हमें तो हम फॉर्मूले से चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखो जरा कंसेप्चुअल है, कहता है एट व्हाट एंगल टॉर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो कह रहा है किस एंगल पर, क्या कह रहा है, किस एंगल पर हाफ होगी मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की। तो देखो जरा थर्ड का आंसर निकाल रहे हैं हम, देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होती है,
पीई साइन थीटा, मैक्सिमम केस किसमें कहा था मैंने, जब ये साइन थीटा वन होता है, साइन 91 होता है, तो ये हमारे पास पीई आ गया था, टॉर्क जो मैक्सिमम थी, या नहीं बताओ। अब वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एट वट एंगल टॉर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वो कह रहा है टॉर्क बताओ पीई बाय टू कब होगी, कब हो सकती है बताओ, कब होगी, ये रिक्वायर्ड है ना आपको, कब होगी, अगर हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, तो ये पीई बाय टू कब आ सकता है, जब ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो, और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा शुड बी 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कब हो सकता है बताओ, जब ये साइन 30 हो, थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा, बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं, तो यानी कि अगर हम यहाँ थीटा 30 रखेंगे, साइन 30 1/2 होता है, तो टॉर्क पी ई साइन 30 तो कितना आ जाएगा ये पी ई बाय 2, 1/2 है ना, तो ये आ गया, क्लियर है, लेकिन कब आया, जब थीटा कितना होना चाहिए 30 डिग्री पे, क्या आएगी हमारे पास मैक्सिमम की हाफ आ जाएगी, बताओ क्लियर है या नहीं है बताओ, तो ये हो रहा है एट वट एंगल टॉर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो कितने एंगल पे होगी, 30 डिग्री पे हो जाएगी अपने मैक्सिमम वैल्यू से, कितनी हाफ, तो 30 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू की हाफ होती है टॉर्क, क्लियर है इतनी बात बताओ समझ में आई, ठीक है जी, तो ये करो नोट जरा। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन 4 जो करना है हमें, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको 1.8 एक्सरसाइज में, 1.8 क्वेश्चन देखना आप, जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन ये जो है टॉर्क से रिलेटेड नहीं है, है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो इसको करते हैं जरा देखो, ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया हमने कि टाइम है तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये वाला, ठीक है, तो देखो जरा क्या कह रहा है हमें इसमें, कहता है 2 चार्जेस क्यू ए 3 माइक्रोकूलम है और क्यू बी है -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है जी, मतलब क्या कह रहा है देखो, फोर्थ क्वेश्चन में ये है आपका क्यू ए चार्ज, कितना है ये 3 माइक्रोकूलम का 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्यू बी चार्ज है एक और वो कितना है माइनस का 3 माइक्रोकूलम का, और जो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यही बोल रहा है, कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ, तो मतलब अगर हम यहाँ पर कहें ये हमारा, अगर मैं ये इस तरीके से लिख दूँ, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है, ऑब्वियस बताओ चार्ज हमने रखा है ए पे ये रख दिया और बी पे ये रख दिया, ऐसे आप समझ लो बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ये क्यू ए है हमारा, ये क्यू बी है, ये ए पे प्लेस है, ये बी पे प्लेस है, ये मतलब हुआ, ठीक है, और ये है इसका सेंटर, अब सेंटर पे वो क्या कह रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी, इसलिए मैंने ए बी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ऑफ द ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लगा दो, ठीक है, कैसे, यहाँ पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हमने, ये प्लस का चार्ज है, उसकी वजह से ये क्या होगा, इधर रिपेल होगा ईवन, ठीक है, और ऑब्वियस बात है जिस साइड फोर्स लगती है वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये वाला इसको क्या करेगा, अगर यहाँ हमारा टेस्ट चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा E1+E2 हो जाएगा, और E1 E2 में हमें फॉर्मूला पता ही है Q/4πε0r2, ये पता है, या फिर KQ/r2, ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो जैसे हमने डाइपोल के लिए किया था, ये एक डाइपोल ही तो है, एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का चार्ज है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते बताओ, याद आया कुछ, डाइपोल के लिए भी तो किया था हमने, डाइपोल के लिए कैसे किया था, अगर हम डाइपोल की याद करें तो उसमें हमने यही चीज़ सोल्व की थी और डायरेक्ट ई का फॉर्मूला निकाला था वहां से, तो मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी तो उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता बताओ, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है, उसमें हम क्या कहते थे, अगर आपको याद हो कि ये वाला डिस्टेंस हम एल मान लेते थे, ये वाला 2L है तो ये एल, ये एल, बात वही आ जाती थी, घूम फिर के फॉर्मूला वही बनना था, देखो कैसे, सबसे पहले हम ये करते हैं अगर हम, ठीक है, तो हमें पता है इसमें E1 क्या होगा हमारा KQ/r2, आर क्या होगा इसमें बताओ, ये वाला डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ से यहाँ वाला, ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देखो जरा E2 कितना हो जाएगा, KQ चार्ज सेम ही है और r2 भी सेम ही है, r मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर ही है दोनों के केस में, यानी कि 10/100 मीटर हो गया, तो यहाँ से जो E होगा हमारा वो क्या होगा नेट वाला E1+E2 होगा एट द मिड पॉइंट O, ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ सेम ही है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E+E कितना आ गया, ये 2E आ गया, तो 2 into में E हमारा यही बनेगा KQ/r2,
तो मैं 2 इंटू में k की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9 और q कितना है हमारा 3 माइक्रो कूलम यानी कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में r की वैल्यू कितनी है हमारी 10 बाई 100 है। कितनी है जी बताओ 10 बाई 100 है। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ समझ गए आप या नहीं बताओ? क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला r किस किस के बीच में ले रहे हैं बताओ, इन दो चार्जेस के बीच का ले रहे हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 100 आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें बताओ किसी भी तरीके की? बताओ सिंपल। तो 10 बाई 100 कर दिया हमने और यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखो जरा आप यहाँ से देखो कितना बन रहा है ये 2, 3, 6, 9 कितना हो रहा है हमारा ये 54। तो ये 54 हो गया। अब सिर्फ 10 की पावर्स को सॉल्व करना है। तो देखो जरा यहाँ से ये 100 आएगा, ठीक है, 10 की पावर 2 मतलब क्या है 100 है, और ये कितना है दो बार, मतलब स्क्वायर था ना तो मैं दो बार 100 लिख दूँ इसको, तो ये इससे कट गया, सिंपल हो गया। तो 10 की पावर 9 और माइनस 6 कितना होता है जल्दी से बताओ, माइनस का प्लस का 3, 9 में से 6 गया कितना होगा प्लस का 3, और ये कितना है 10 की पावर 2 है, तो कितना आ गया ये 54 इंटू में 10 की पावर 5 क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था न्यूटन पर कूलम। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे 5.4 इंटू में, तो 10 की पावर 1 प्लस में जाएगी 1, बताया हुआ ना लेफ्ट साइड जाता है तो प्लस में 1, और अगर राइट साइड जाते पॉइंट को लेके तो माइनस 1, ठीक है ना। और जितना पॉइंट शिफ्ट करते हो उतना नंबर ऊपर आता है, इधर एक ही पॉइंट शिफ्ट किया तो 1, अगर यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट करता तो यहाँ 2 आ जाता प्लस का, समझ रहे हो ना। लेफ्ट साइड जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5.4 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें आया समझ में? अब यही चीज़ आप किस में कर सकते हो, डाइपोल के लिए कर सकते हो। ये नोट करो जरा, अगर डाइपोल वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएं तब भी यही आंसर आएगा। नोट करो पहले इसको, कर लिया नोट? तो देखो जरा, अगर आपको याद हो जब हमने डाइपोल के केसेस किए थे मिड पॉइंट के, एक्सियल के, इक्विटोरियल के या फिर एट एनी पॉइंट में, तो मिड पॉइंट के लिए क्या आया था हमारे पास, ई की वैल्यू आई थी हमारे पास अगर आपको याद हो 2q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर आई थी अगर डायरेक्ट, तो ये यही नहीं कहानी बन गई। देख लो आपके पास यहाँ ये 2 हो गया, ठीक है, ये क्यू आ रहा है यहाँ 4π एप्सिलॉन नॉट, अगर ऊपर लेके जाऊँ तो मैं k ही बन जाएगा ये k, और ये r स्क्वायर, ये वाला r, ये वाला लिया है मैंने यहाँ, ये वाला r लिया है, और इसमें क्या हो जाएगा ये पूरा 2l है, तो ये वाला l हो गया, तो l स्क्वायर। तो मतलब क्या है वैल्यू सेम ही है, जो ये है वही चीज़ तो ये है। अगर मैं इस टर्म में लिखूँ देखो इसको 2, 4π एप्सिलॉन नॉट नीचे है ना, तो ये मैं k लिख सकता हूँ 1/4π एप्सिलॉन नॉट का, और ये क्यू है और ये एल स्क्वायर है, एल क्या है हमारा आर ही है यहाँ वाला, तो यही वैल्यू आएगी सेम, समझ रहे हो? तो उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इसी में ही हमारे पास बी पॉइंट में, बी पॉइंट में क्या कहता है हमें, कहता है इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या कह रहा है, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है और जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें, ठीक है, क्या है नेगेटिव टेस्ट चार्ज है ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो टेस्ट चार्ज होता है ना वो क्यू नोट लिखते हैं हम हमेशा, ठीक है ना, कितना है वो 1.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 9, नेगेटिव है कोई बात नहीं, हमें पता है मैग्नीट्यूड में ही लिखते हैं हम तो जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, कूलम में। उसके बाद इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है जी, कहाँ पर इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, मतलब क्या कह रहा है, अब यहाँ इस पर, यहाँ पर ये माइनस वाला चार्ज हमने रख दिया, ठीक है। एक और चीज़ याद रख लेना, जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये वाला, उसकी डायरेक्शन भी लिख लेना, अलोंग क्या है OB है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है अलोंग OB, वहाँ पर लिख लेना जो वैल्यू आई है ना आपकी 5.4 इंटू में 10 की पावर कितना आया आपका, कितना आया था देखो 5.4 इंटू में 10 की पावर कितना बन रहा था देखो, तो था 10 की पावर 6, ठीक है ना, ये आ रहा था न्यूटन पर कूलम, तो आप लिख देना आगे अलोंग OB, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्यू नोट की, ये कह रहा है इस क्यू नोट को यहाँ ओ पॉइंट पे रख दिया, ये बोल रहा ना कि दिस पॉइंट, क्योंकि पहले मिड पॉइंट ओ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा था, फिर कह रहा है अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट्स कर दें इस पॉइंट पे यानी कि ओ पे, ठीक है, तो क्या होगा व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो देखो हमें पता है एफ इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास क्यू इंटू में ई, अब ये क्यू कौन सा क्यू होता है बताओ, देखो ई का फॉर्मूला क्या बनता था हमारे पास एफ अपॉन में क्यू नोट, अगर आपको याद हो तो वहाँ से जो एफ आता था हमारा वो कितना आता था क्यू नोट ई, तो ये वाला क्या होता था हमारा वो टेस्ट चार्ज ही होता था, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये क्यू नोट, तो ये एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 9, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी आई है हमारे पास वो कितनी आई है 5.4 इंटू में कितना है हमारे पास ये 10 की पावर 6 है। बताओ कोई दिक्कत इसमें?
ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर निकालते हैं अभी, लेकिन पहले इसकी डायरेक्शन देख लो जरा, ये जो फोर्स लगने वाली है कहाँ लगने वाली है, देखो ये है माइनस का क्यू चार्ज। पहले जो हमने ये किया था सब कुछ निकाला था, मैंने माना था यूनिट टेस्ट चार्ज जो कि हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी कि ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो बताओ जरा इस पर फोर्स कहाँ लगने वाली है, खुद सोचो जरा, बताओ कहाँ लगेगी इस पर फोर्स। ये वाला प्लस इसको क्या करेगा बताओ, ये वाला प्लस चार्ज इसको क्या करने वाला है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, और ये वाला माइनस वाला भी इसको क्या करने वाला है, इधर रिपेल करने वाला है, तो नेट फोर्स इधर ही आएगी हमारी। तो यानी कि ये क्या है, अलोंग ओ ए है, तो मैं यहाँ डायरेक्शन लिख लेता हूँ, अलोंग ओ ए है, इतनी बात समझ में आ रही है। फोर्स की डायरेक्शन है ऐसे, नेट फोर्स की अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी इधर, क्लियर है। लेकिन वो कब की बात थी, जब हमारा प्लस चार्ज था, क्योंकि अगर हमें गिवन नहीं है कुछ शुरू में तो हम प्लस ही मान के चलते हैं अपना टेस्ट चार्ज, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी कि नेगेटिव है अब, ठीक है। तो नेगेटिव के केस में अब ये हमने कर दिया, तो फोर्स हमारी इस साइड आ रही है, ठीक है जी। अगर नेगेटिव का केस देता इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही आ जाती, ठीक है, लेकिन उसमें पहले उसने बोला नहीं है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू निकाल ही ली है, क्लियर है। अब देखो इतनी तो बात आपको पता ही होगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकले चाहे उधर निकले, वैल्यू तो सेम ही आनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। लेकिन उसने पहले हमें पर्टिकुलर कुछ बताया नहीं है कि प्लस रखना है कि माइनस रखना है, तो हमने अपनी मर्जी से प्लस रखा, तो उसकी डायरेक्शन उधर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब उसने बोल दिया फोर्स के लिए कि माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो क्लियर है, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि माइनस है, तो माइनस है तो हमने देखा फोर्सेस इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑब्वियसली बात है इधर ही होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही ले लेंगे जो हमारी वो है, क्योंकि इधर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो यही आंसर आने वाला है, आप करके देख सकते हो वो भी, कि अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए करेंगे, क्योंकि चार्ज का तो मैग्नीट्यूड ही रखते हैं ना, माइनस प्लस तो हम कुछ नहीं कंसीडर करते, मैग्नीट्यूड रखते हैं, प्लस में ही रखते हैं चाहे माइनस का भी हो, तो वो वाली बात है। तो यहाँ से देखो अब जरा इसको, 10 की पावर माइनस 9 और प्लस का 6 कितना आएगा, माइनस का 3, तो ये 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है। अब यहाँ से देखो जरा, 1.5 और 5.4 को मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा ये, 60 हो गया ये, 15 4 था और 15 5 का कितना हो गया हमारे पास, 75 आ गया, तो ये कितना आ रहा है, 0, ये 11 और ये 8.10, और पॉइंट कहाँ आएगा, 2 इधर शिफ्ट करके ये आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 8.10, यानी कि 8.1 लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो जो पॉइंटों में लास्ट में जो जीरोज होती है ना, वो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो इतनी बात, यानी तो ये कोई इशू नहीं होता, तो अगर लास्ट में जीरो है तो वो हम ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.1 इनटू में कितना आ रहा है हमारे पास, 10 की पावर माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। और फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो तो आपको पता ही है क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अब कईयों को जैसे कन्फ्यूज़न होना कि न्यूटन कैसे आने हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या थे, न्यूटन पर कूलम, चार्ज के क्या हैं, कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया, न्यूटन आ गया, नहीं तो डायरेक्ट पता ही है आपको फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, ठीक है जी। बताओ फोर्स ही आ गई हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, देखो इसका आंसर कितना है, हाँ यही है, 8.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 में न्यूटन है, ठीक है जी। बताओ आया समझ में, तो ये कर लेना आप क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं आपको, ठीक है, पिछला जितना भी करवाया वो भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्लियर, ओके, थैंक यू।